हैं वहां पर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अन करीब आप तशरीफ लाएंगे मेंबर नूर पे, वो आपके मोहल्ले में हैं, उनकी ज्यारत इंशाल्लाह आप भी करेंगे और मैं भी करूँगा। हजरत हबीब रज़ा हबीबी, मेरे नबी हैं मददगार, कुछ नहीं होगा। आप क्यों चुप थे, इस पर तो पूरा भारत बोलता है, आपको कुछ होने वाला है क्या? आप भी कह दो कुछ नहीं होगा। हजरत हबीब रज़ा हबीबी बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, एक बहुत अच्छे शायर को मैंने बचा रखा है। हजरत हसन रज़ा गोंडवी, कहाँ भैया, क्या नाम है? मोहसिन रज़ा गोंडवी, कहाँ है मोहसिन भाई? अरे बाबू आप ही हैं, सलाम वालेकुम। अच्छा मोहसिन भैया उम्दा पढ़ते हो यार, अच्छा पढ़ते हैं मोहसिन भाई, इनको मैंने बचा लिया है इसलिए कि बढ़िया चीज बाद में खाया जाता है ना, ताकि देर तक जबान की लज्जत और रूह की लज्जत बरकरार रहे। ये भी जाना बता दें कि हजरत शाहबाज अदा नूरी कोलकाता, वो भी तशरीफ रखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं लोग। ए बाबू ए हजरत हबीब अच्छा पढ़े, अरे पढ़े पढ़े, क्या कह रहे थे ये? पढ़ रहे थे तो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि पढ़ता गया मैं नात, उभरता चला गया, पढ़ता गया मैं नात, उभरता चला गया। स्टेज नहीं बोल रहा, पढ़ता गया मेहनत उभरता चला गया, बिगड़ा हुआ नसीब समरता चला गया, बिगड़ा हुआ नसीब समरता चला गया, पढ़ता गया मेहनत उभरता चला गया। वाह वाह क्या बात है, नसीब समरता चला गया। तारीख पढ़ रहा था अवैसो बिलाल की, तारीख पढ़ रहा था अवैसो बिलाल की, इसके रसूल दिल में उतरता चला गया। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाब हजरत सिवान साहब रहमतुल्लाह, नारे तकबीर। पढ़ता गया मेहनत उभरता चला गया, बिगड़ा हुआ नसीब समरता चला गया, तारीफ पढ़ रहा था अवैसो बिलाल की, इसके रसूल दिल में उतरता चला गया। सोचा ही था कि मांग लूं सदका हुसैन का, दामन मेरा मुरादों से भरता चला गया, दामन मेरा मुरादों से भरता चला गया। सोचा ही था कि मांग लूं सदका हुसैन का, सोचा ही था कि मांग लूं सदका हुसैन का, अरे ये मेरा दी, ये मेरा दी, सोचा ही था कि मांग लूं सदका हुसैन का, दामन मेरा मुरादों से भरता चला, दामन मेरा मुरादों से भरता चला गया। बढ़िया लगा, बढ़िया लगा, क्या बढ़िया लगा? देखिए एक शेर पढ़ता हूँ, शेर तो बहुत बड़ा है, उलमा समझेंगे, आप अगर समझ तक आइए। एक शेर, ये अब हम पैगाम दे रहे, एक शेर सुनिए, उलमा स्कूल वाले गुफ्तगू बनाते हैं, शेर सुनिए। मुझे मुझे मनाओ नहीं, क्या हो रहा है यार, इधर कुछ शरीफ लोग बैठे हुए हैं। ओ दादा की होचे, क्या हो रहा है यार, हमको भोज ये सुरजापुरी बोली जाती है ना, हमको तो सुरजापुरी भाषा आती नहीं है, लेकिन एक लफ्ज होता, एक लफ्ज मैंने सीखा है, भोजपुरी बुझे ना लगे, क्या बुझे ला बताओ तो भैया, ए बैठ जाए, बैठिए तो, बैठिए तो, बैठिए बैठिए, एक आदमी इधर कुछ नहीं बोलेगा, वरना मैं मुसाफिर हूँ, मेरी दुआ भी अल्लाह सुनेगा और बददुआ भी, तो बददुआ से होशियार रहिए, बददुआ दे दूंगा सब लोग अनाउंसर बन जाओगे, जिंदगी भर बाहर ही रहोगे समझ में आ जाएगा। बाहर शरीयत भाई,
बाहर रहिएगा, चलिए मेरे साथ। मुझे मनाओ नहीं, उलमा शेर सुने, आपको सुना रहा हूं। मुझे मौलाना इब्राहिम रजा चतुर्वेदी बहुत बड़े खतीब हैं यार, मुझे मनाओ नहीं मेरा मसाला समझो, मुझे मनाओ नहीं मेरा ये भी कह रहा कम नहीं समझेंगे। माइक बहुत अच्छा यार, किसको सीटी बजा रहे हो? मुझे मुझे मनाओ नहीं मेरा मसाला समझो, मैं खफा नहीं हूं परेशान हूं जमाने से, नहीं बुझाया। मुझे मनाओ नहीं मेरा मसाला समझो, मैं खफा नहीं परेशान हूं जमाने से, मैं खफा नहीं परेशान हूं जमाने से, नहीं समझोगे दूर तक बात जाएगी, नेट पर जाएगी, मुझे सवाल पूछा जाएगा, क्या बोलूंगा? समझ में आया? क्या समझ में आया? सवाल ये नहीं कि तारों में रोशनी क्यों है, सवाल ये नहीं कि तारों में रोशनी क्यों है, सवाल ये है तारीख जिंदगी क्यों है, नहीं बुझाया? सवाल ये नहीं कि तारों में रोशनी क्यों है, सवाल ये है कि तारीख जिंदगी क्यों है, और सवाल ये नहीं कि किसको पुकारता हूं, सवाल ये नहीं कि किसको पुकारता हूं, सवाल ये है आवाज गूंजती क्यों है, सवाल ये नहीं कि किसको पुकारता हूं, सवाल ये नहीं कि किसको पुकारता हूं, सवाल ये है कि आवाज गूंजती क्यों है। बेशक, बहुत अच्छा माशाल्लाह। ये आवाज गूंजती क्यों है, ये बंदा समझाया है। आइए इधर आइए, ये अजमेर शरीफ से आए, बहुत शरीफ आदमी है, अजमेर शरीफ गए थे वहां से क्या कह रहे थे आपने सुन लिया, मैं बताऊंगा नहीं, वो कह रहे थे आपने सुन लिया, एक शेर मैं सुनाता हूँ कि ख्वाजा तेरे वसीले से क्या क्या दिखाई दे, गरीब नवाज वाले चुप नहीं रहेंगे, हर तरफ से जवाब, हर तरफ से आवाज उठेगी, ख्वाजा तेरे वसीले से क्या क्या दिखाई दे, अजमेर जब चलूं तो मदीना दिखाई दे, अजमेर जब चलूं तो मदीना दिखाई दे, अब तो बसा के दिल में जो अजमेर का ख्याल, सोऊं बसा के दिल में जो अजमेर का ख्याल, ख्वाबों में मेरे आपका जलवा दिखाई दे। मौला इब्राहिम रजा चतुर्वेदी जिंदाबाद। ये देखिए इब्राहिम भाई, ये देखिए तीन हिस्से में जलसा मुनकसिम है, ये दाहिना हिस्सा, ये दरमियानी हिस्सा, ये बाया हिस्सा, इन जलसों को तीन हिस्सों में बांट देता हूँ, ये जितने सब इधर वाले ये सब आला हजरत वाले, इधर जितने हैं सब गरीब नमाज वाले हैं, ये इधर जितने हैं वो सब मौला अली वाले हैं, इधर जितने हैं सब नबी वाले हैं, हम सब मिलकर अपने खुदा वाले हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अब नारा में देखता हूँ किधर वाला, ये इलाका कौन वाला है, कौन वाला है,
अजमेर शरीफ से बरेली जाएगा, अब उसके बाद कहेगा अमेरिका जाएंगे, उसके बाद जगह मिलेगी कब्रिस्तान जाने की। अल्लाह, अभी अभी तुर्की मत जाएगा बेचारा, वहां भूकंप आया हुआ। ये इलाका गरीब, ये इलाका आला हजरत वाला ना भाई, तो आला हजरत के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह, गरीब नवाज वाले बोले सुभान अल्लाह, ये मौला अली वाले बोले सुभान अल्लाह, ये मुस्तफा वाले बोले सुभान अल्लाह। हम सब मिलकर अपने नबी अल्लाह वाले हैं, बोलो सुभान अल्लाह। इस खूबसूरत गूंज में भारत और नेपाल के चहीते मुकर्रर, भारत और हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुकर्रर, भारत और नेपाल के बहुत बड़े खतीब, ये सयाही हिंदुस्तान में नेपाल से ज्यादा करते हैं, नेपाल से ज्यादा ये हिंदुस्तान में इनकी गुफ्तगू होती है। भारत कैसा मुकर्रर, हिंदू नेपाल के कैसा मुकर्रर, जैसे हिंदुस्तान वाले भी चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नेपाल वाले भी चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ उसी अली मरफानी की आमद आमद इस माइक पे आपके लिए हो जाए एक ऐसी गुफ्तगु जो कुरान भी और पुराण भी, एक ऐसी गुफ्तगु जिसकी गुफ्तगु में कुरान भी, महाभारत भी, कुरान भी, इंजील भी क्या क्या बोलते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। मैंने से नहीं, भारत के अच्छा तरबेजियों से मैंने एक सवाल किया था, ए मियां कुरान से बड़ी कोई किताब नहीं, कुरान पाक के बाद हदीस मुबारका से बड़ी कोई किताब नहीं, तो फिर उनकी किताबें पढ़ने का क्या मकसद, क्या हासिल। तो तमाम हिंदुस्तान के चतुर्वेदियों ने कहा, अरे अल्जल साहब कुरान तो पढ़ लिया जिसमें अल्लाह की बातें हैं, हदीस तो पढ़ ली जिसमें रसूलुल्लाह की बातें हैं, तो फिर दूसरे किताब पढ़ने से क्या फायदा। तो चतुर्वेदियों ने कहा, अरे अल्जल साहब ये नहीं कि मेरे अल्लाह रसूल की तज़किरा, अल्लाह का तज़किरा, रसूलुल्लाह का तज़किरा हमारी किताबों में है, बल्कि उनकी किताबों में भी मेरे नबी का तज़किरा मौजूद है। ऐसा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, मेरे नबी का तज़किरा मौजूद है। अब मेरे आका का तज़किरा किस किताब में है, कुरान में है, है ना भाई, हदीस तो मुकम्मल नबी की बात है। अब ये बताएंगे चतुर्वेदी जी कि मेरे नबी का तज़किरा, आमिना के लाल का तज़किरा, अल्लाह के महबूब का तज़किरा किस किताब में है, ये हजरत बताएंगे। कौन बताएगा? चतुर्वेदी जी, बहुत बड़े चतुर्वेदी हैं, इनको बुला दें, इस्तकबाल कौन करेगा, करेंगे। एक एक मर्द मुजाहिद खड़ा हो जाए नारा लगाने के लिए, एक नबी का दीवान है इधर से, कोई है नबी का दीवान, नेता हो का यार, मेरे नाम का नाम मत ऐलान मत करो, ऐलान ही करना तो अपने नबी का तज़किरा करो मेरे भाई। अब इधर इधर कहा तो उधर वाला बोला, अब इधर वाला कहूँगा तो इधर वाला बोलेगा। चलो इधर वाला बोलो भैया, एक नारा लगाए, एक आदमी कोई है, जल्दी से जल्दी से, कोई इधर मर्द है, जिंदाबाद। देखिए बूढ़ी रगों में भी जवानी की लहर दौड़ गई, क्या इश्क है, इश्क जो सर चढ़ के बोलता है, क्या है, इश्क है सर चढ़ के बोलता है। अरे इश्क होता नहीं, उतरता है, इश्क होता नहीं, अल्लामा इब्राहिम रज़ा, इश्क होता नहीं उतरता है कारे दिल पर किसी वही की तरह, इश्क होता नहीं उतरता है कारे दिल पर किसी वही की तरह। उलमा समझ रहे हैं, आप समझने के लिए मदरसा गौसिया में नाम लिखा लीजिए, शायरी समझ में आएगी। नारा मैं लगाता हूँ, अल्लाह अल्लामा इब्राहिम रज़ा चतुर्वेदी नेपाली बाबू आपके पीछे आ रहे हैं। लेकिन याद रखिए हजरत मौलाना हाशिम कानपुरी साहब कानपुर, हजरत मौलाना जियाउद्दीन साहब कटक उड़ीसा, शाहबाद अदा नूरी मुमकिन है
कि गुलाम नूरे मुजस्सम भी आ जाए। इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर। अच्छा, वो जो पिछवाड़े लोग खड़े हैं बांग्लादेश के बॉर्डर पे, कब बोलोगे मेरे भाई? आप लोग भी हाथ उठाइए, वो जितने जितने बॉर्डर पे लोग खड़े हाथ उठाइए, पिछवाड़े जम गेट पर सब हाथ उठाओ मेरे भाई, हाथ उठाइए, आप लोग भी उठाइए, उठाइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत।